हेलो मिस्टर वाकड़े, कहाँ चले? हेलो मिस्टर मूर्ति, बाजार जा रहा हूँ मैं। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? टाइम पास कर रहा हूँ। नथिंग टू डू यू नो मिस्टर वाकड़े? नो, करना भी क्या, आराम कीजिए। यू आर हैप्पी एंड रिटायर्ड पर्सन। दिन भर और करता ही क्या हूँ मैं। अरे मिस्टर वाकड़े, मैं तो आपके ही आ रहा था। अरे आपकी जा रहे हैं क्या? हाँ जरा बाजार जा रहा था, कोई काम? नहीं नहीं, काम नहीं, मैं तो बस घूमने निकला था। ऐसे सोचा कि मैं आपके साथ चलूं क्या? Why not? It's a pleasure. मिस्टर मूर्ति आप भी चलिए ना। No thanks. Please carry on. Okay, bye. 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 चलिए। Then घर में कैसे हैं सब? Everything is fine. Mr. Wagle, I must tell you one thing. What? कल मैं अपने कजन, नहीं अपने नेफ्यू के यहाँ गया था। Then? उसके यहाँ कल मैजिशियन कपूर आए थे। Oh, आपके नेफ्यू के यहाँ? नहीं नहीं, उन्होंने एक कल्चरल सोसाइटी खोल रखी है ना। अच्छा अच्छा, तो वो एवरी वीक कोई ना कोई उसमें प्रोग्राम करती रहती है। गुड। लेकिन मिस्टर वाकले, उसने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। क्या? उसने अपना हेड निकाला, हेड मेरा खरगोश निकाला और ऐसे करके हवा में उछाला, वो खरगोश गायब हो गया। क्या कह रहे हैं आप? Yes, of course. Then? उसके बाद उसने उस हेड में से बिल्ली निकाली, फल निकाले, फूल निकाले, हेड में से पानी निकाला, पानी में से हेड निकाला। बहुत ही कमाल का मैजिशियन है, वंडरफुल मैजिशियन। अच्छा, आई विश मिस्टर वाकले दैट वी शुड कॉल हिम टू यू नो आवर लोकलिटी। व्हाई नॉट, लेट्स कॉल हिम। एक ब्रेड लाने के लिए कितनी देर लगा दी तुमने? भाजी भी लाया हूँ शाम के लिए। सी राधिका, गडकरी मिला था। अच्छा? हाँ, वो कह रहा था वो लोग कोई मैजिक शो देखने के लिए गए थे। मैजिक शो? मैजिशियन कपूर, क्या कमाल का मैजिशियन है यू नो। उसने क्या किया मालूम है? ये एक हैट लिया, उसमें फूल डाला, हैट को कुछ यूं 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 किया, इसमें से चिंपैंजी बाहर। चिंपैंजी? यही नहीं, देन ए जिराफ। सी द फन। उसने एक जार लिया, हैट को जार के पास यूं रखा, उल्टा जार पानी से भर गया। यही नहीं, हैट के अंदर से मछलियां भी निकाली उसने। अच्छा, हाउ वंडरफुल ना। ए सुनो, हम भी बच्चों को लेकर एक दिन मैजिक शो देखने जाते हैं ना। जाने की क्या जरूरत है? क्यों, उसे यहीं बुलवा लेते हैं। वो कह रहा था वो पिछले हफ्ते शायद उसने किसी म्यूजिशियन को बुलवाया था, मैं उनसे बात करूंगा। उन लोगों ने किसने? अरे वो गडकरी का नेफ्यू, उन लोगों क्या कोई सोसाइटी फॉर्म की हुई है, हर संडे या सैटरडे को वो लोग कोई ना कोई प्रोग्राम करते हैं। सुनो, हमें भी कोई सोसाइटी फॉर्म करनी चाहिए, हम भी कुछ प्रोग्राम करेंगे, अब मैजिक म्यूजिक या और कुछ भी। नो, इट्स गुड आइडिया, बट कौन करेगा ये सब? हम और कौन, पागल हो गई हो तुम? बाबा मुझे इसमें मत घसीटो, म्यूजिकल सोसाइटी कल्चरल सोसाइटी फॉर्म करना इतना आसान नहीं होता। देखो इसके लिए जगह चाहिए, मेंबर चाहिए, फंड्स कहां से आएंगे? इट्स नॉट ए मैटर ऑफ जोक। नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। देखो कल मैं और शीला कॉलोनी के लोगों से जाके बात करेंगे, है ना? नहीं करो, अगर तुम लोग म्यूजिकल सोसाइटी फॉर्म कर सकते हो वेल एंड गुड, बट डोंट इन्वॉल्व मी, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। यू सी आई एग्री विथ यू, इट्स अ गुड आइडिया, बट देखो गुड इवनिंग मिस्टर वाकले। Oh, good evening, Mr. Murthy. How are you? Fine, thank you. कमाल है, कल शाम आपने हमें बताया तक नहीं। What? हमारी वाइफ ने हमें बताया। क्या? आप कॉलोनी में कुछ म्यूजिकल एसोसिएशन बना रहे हैं? Oh, मैं नहीं, वो राधिका शायद। हाँ, लेकिन आइडिया बहुत अच्छा है। हाँ, मिलने जुलने का मौका तो मिल गया लोगों को। You know what happened? बातों बातों में this idea came out from me. हमारे काबिल कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। No, I will tell, definitely. We need all cooperation, sir. Okay? राधिका, अरे शीला, हेलो। हेलो। लो, मैंने अपने हस्बैंड से अंबिका संगीत सोसाइटी की अपील टाइप करवा दी है। थैंक यू। आओ ना बैठो। हाँ। सुनो, ये जरा प्रूफ चेक करके दो ना। With a view to promote art and culture, we are here to offer you every weekend a good musical program. Mr. Wagle, please आप राधिका से कहिए ना कि सोसाइटी की प्रेसिडेंट बन जाए। मैं? देखिए मैंने मना तो नहीं किया है, पूछ लीजिए राधिका से। Actually, it all depends, आप इन्हें कैसे मनवाती हैं। भाई राधिका, प्रेसिडेंट तो तुम्हें ही बनना पड़ेगा। शीला मुझे फोर्स मत करो, और कोई है नहीं ना। अच्छा मैं अगर कल बताऊं तो चलेगा? ओके, लेकिन तुम्हारा आंसर यस में होना चाहिए। अच्छा देखती हूँ।
अच्छा मैं चलती हूँ, बाय बाय। नहीं देवेंद्र, मुझे किसी ने बताया था कि आपको थोड़ा लगता है। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्कार। सर मैंने सुना है आप लोगों ने अंबिका संगीत सोसाइटी बनाई है। जस्ट फॉर्म्ड, ही नोज इट। व्हाट्स द गुड नेम? मायसेल्फ कृष्ण मेहता, बस इसी लोकेलिटी में रहता हूँ। इन दिस लोकेलिटी? या मैंने शायद देखा है आपको। जरूर आपने देखा? जरूर देखा होगा सर। सर मैं तो बचपन से ही क्लासिकल गाता हूँ। अच्छा, फ्रॉम योर चाइल्डहुड? या सर, सुनिए। यू नो इट्स कॉल्ड राग हिंडोल। हिंडोला? हिंडोल। हिंडोल सागामा दासाक। आरोहण के स्वर। आरोहण। आरोहण। क्लासिकल? नो, आई नो। सर वैसे तो मैंने विशारद का भी कोर्स किया, संगीत विशारद का। सर यदि आपके संगीत सभा में मुझे गाने का एक मौका मिले, सिर्फ एक मौका, तो मैं आपका बड़ा ही आभारी रहूंगा सर। देखिए आपको क्या नाम बताया? कृष्ण मेहता। देखिए मिस्टर मेहता, इस बार दरअसल हम किसी एक प्रोफेशनल को बुला रहे हैं। सर मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, मैं टीचर भी हूँ और कई लोग मेरे से गाना सीखते भी हैं। सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए सर। नो, आप ऐसे मत कीजिए। एक्चुअली जब भी ऐसा कुछ होगा, प्रोग्राम वगैरह, हम आपको बताएंगे। वी विल इन्फॉर्म यू। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सर कृष्ण मेहता को आप आपके दिमाग में जरूर रखिएगा सर। दिमाग? ओके। नमस्ते। मिसेस वागले हैं? मम्मी कोई आया है? नमस्ते। नमस्ते। आप? मैं मिस्टर त्यागराजन। हाँ हाँ त्यागराजन। हाँ। जी आइए आइए बैठिए। इंगवा सीता लक्ष्मी इंगवा। कहिए। माय डॉटर सीता लक्ष्मी। अच्छा अच्छा। सीता लक्ष्मी आंटी जी को नमस्ते करो। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते। ये चिन्ने पुण्य पेरिये डांस आड़ रहते हैं। ये छोटा लड़की एक दिन भरतनाट्यम का बहुत बड़ा डांसर बनेगा। अच्छा अच्छा। यस, इसका डांस दिखाना चाहता हूँ। वो आपके अंबिका आर्ट सोसाइटी में इसका डांस प्रोग्राम आइडियल। लेकिन हमने तो अभी कुछ सोचा। अभी देख लीजिएगा, बाद में आप लोग ढूंढता फिरेगा मिस्टर त्यागराजन और उनका बेटी सीता लक्ष्मी किधर है किधर है, सारा कंट्री ढूंढेगा कहाँ है, हम हाथ नहीं आएगा। मगर मैं अकेले तो डिसाइड नहीं करूंगी ना। डिसाइड अभी हो जाता है। हाँ सीता लक्ष्मी, परफॉर्मेंस हियर। शर्माने का नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं शर्माने का, अच्छा से करने का बेटा। हाँ तुम्हारा प्रोग्राम होना ना। हाँ शाबाश। ये चिन्ह पुण्य वेक पड़ दे, छोटा है ना इसलिए अभी शर्माता है, लेकिन जब डांस करता बिल्कुल नहीं शर्माता। अच्छा सीता लक्ष्मी ओ वाला, कृष्णानी बेगने बारो, कृष्णानी बेगने बारो। राधिका सिनफ। आपको मालूम ये डांस मैंने आप दोनों को क्यों दिखाया? वही? क्योंकि आप दोनों बहुत बड़ा आर्ट लवर। यस यस यस। मिसेस वागले देख लेना, ये छोटा आर्टिस्ट एक दिन इंडिया तो क्या
फॉरेन की हर कंट्री में डांस करेगी। हाँ। यस अच्छा है मिसेस वागले, अच्छा है मिस्टर वागले, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वरेंगे सीता लक्ष्मी, अभी डेप्यूटी कमिश्नर के यहाँ इससे भी अच्छा डांस करना, ओके? हाँ, शाबाश। थैंक यू। देखते देखते काफी मेंबर जमा होंगे। मिसेस केशवानी के अलावा बाकी सब ने अपनी मेंबरशिप फीस दे दी है। नहीं नहीं, उन्होंने प्रॉमिस किया, वो बोल के गई मुझे। अच्छा। क्या हुआ? लगता है पेन खराब हो गया। बच्चों की टेबल पे पड़ी है। अच्छा। मिसेस वागले, उन्होंने एग्री कर लिया। किसने एग्री कर लिया? पंडित रामशास्त्री। पंडित रामशास्त्री? ग्रेट क्लासिकल सिंगर। क्या कह रहे, पंडित रामशास्त्री ने एग्री कर लिया? हाँ। शीला, शीला, पंडित रामशास्त्री एग्री कर गए। पंडित रामशास्त्री एग्री कर गए। ग्रेट क्लासिकल सिंगर राधिका, गुड न्यूज। बहुत मजा आएगा ना राधिका? ये देखो तुम्हारे कार्ड सब कर आ गए। आ गए? राधिका, वो कार्ड्स बाद में देखना। ये क्या लिखा है? क्या? दिस वन डैडी। एक मिनट बेटा, ये क्या लिखा है? माइक वाला। ओ मम्मी। एक मिनट बेटा, ये काम तो गडकरी करने वाले, मगर इवन देन सुपरविजन तो चाहिए ना डैडी। क्या है बेटा? डैडी 23 को मैं भी चल सकता हूँ। कहाँ चल सकते हो 23 को तुम? अंबिका संगीत सभा में। बच्चों के लिए नहीं है, और वो 23 को नहीं 24 को है। 23rd डैडी? क्यों गलत बोलते हो बेटा, दैट इज ऑन 24th। लेकिन यहाँ पे तो 23rd लिखा हुआ है। माय गॉड राधिका, अब क्या है? ये देखो, ये कार्ड में क्या छपा? 23rd। ये भगवान, ये ऊपर के कार्ड में छपी है, सब में छपी है। नेचुरली सब में छपी होगी। जरा देखो तो, खोल के देखो। हेलो फादर जी, माय गॉड, सी 23rd। ये तो सब में 23 छप गई। अब क्या करें? व्हाट टू डू नाउ? देखो कौन है दरवाजे के, जा। यस मिस्टर गडकरी। मिस्टर वागले, मैंने अजंता रेडियो सर्विस वाले से स्पीकर्स और माइक दोनों के लिए कह दिया है। हाँ, लेकिन हाँ, और मैंने वो फूल वाले से हार के लिए भी कह दिया है। लेकिन आपने किसी एक और चीज के लिए भी मुझसे कहा था ना? हाँ, वो सब भूल जाइए मिस्टर गडकरी, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। सी क्या कार्ड्स? अरे इनविटेशंस कार्ड आ गए क्या? अरे फैंटास्टिक, आ तो गए, लेकिन सी क्या छप गया? 24th के लिए का 23rd। ये प्रूफ किसने चेक किए थे? मैंने नहीं किए थे, वो सिटी पावर प्रेस वाले ने डबल चेक कराया था। एक उनके यहाँ प्रोफेशनल प्रूफ रीडर है, और दूसरा एक जर्नलिस्ट से चेक कराया था। सी द फन। माय गॉड। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3 4। हेलो हेलो, तो भैया यार क्या कर रहा है? कनेक्शन दे। हेलो हेलो, 1 2 3 4। हेलो 1 2 3 4। हेलो, अरे यार दो नंबर का बटन। हेलो 1 2 3 4। हेलो 1 2 3 4। यार वो कनेक्शन देना यार, वही बटन। 1 2 3 4। हेलो 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 हेलो। सर क्या? मैं कृष्ण मेहता हूँ। ओहो हाँ हाँ, नो नो, आप दिमाग में हैं, यू सी, प्लीज बी सीटेड, फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, डोंट माइंड। आप दो शब्द कहेंगे? हाँ, इस तो देने पड़ेगा आपको। एक्सक्यूज मी, वाटर? नो वाटर, पानी? नहीं नहीं नहीं, पानी नहीं चाहिए। सिंगर सागर? सिंगर सागर आने वाले हैं सर, आने वाले। देखिए मुझे एयरपोर्ट जाना है, दिल्ली से हमारे चेयरमैन साहब आने वाले हैं, उन्हें रिसीव करने जाना है। एयरपोर्ट जाना ही नहीं। नहीं नहीं, सिंगर आएंगे, आप तब तक भाषण दीजिए ना। यू हैव टू।
लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने ये अंबिका संगीत सोसाइटी, हाँ जी, अंबिका संगीत सोसाइटी की स्थापना की। दोस्तों, आपको पता है अपने देश की संगीत परंपरा 5000 साल पुरानी है। हाँ, संगीत संगीत हमारी सांस्कृतिक देन है, हमारी आत्मा है, हमारी विरासत है। कवि कालिदास के काल से और संगीत सम्राट तानसेन के जमाने से ये परंपरा चलती आई है। सर, प्लीज, पंडित रामशास्त्री नहीं आए, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ट्रेन तो आ गई, लेकिन इसमें पंडित जी थे ही नहीं। आपने ट्रेन ठीक से देखा ना? देखी, आधा घंटा वेट भी किया, दो चार आदमियों से पूछा भी, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं है। बट मिस्टर मूर्ति, इट वॉज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू नो, यू हैड प्रॉमिस ना। बट अब देखिए, बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई। इन दो शब्दों के साथ मैं अंबिका संगीत सोसाइटी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। भाइयों और बहनों, अभी अभी अध्यक्ष महोदय ने जो, एक्सक्यूज मी सर, वो अभी अभी खबर आई है, जिस ट्रेन से पंडित राम शास्त्री आने वाले थे वो 2 घंटे लेट है। और हाँ, और आप कह रहे थे आपको कहीं जाना भी है। यस, आई मस्ट गो टू एयरपोर्ट एंड रिसर्च चेयरमैन, है ना? देन मेरे ख्याल में आप अगर जाना चाहें तो चलें। ओके, चलिए। क्योंकि पंडित राम शास्त्री इतने बूढ़े हैं, इज वेरी गुड आर्टिस्ट, बट यू नो, आप थोड़ी देर अगर बैठ जाते तो। नो, आई एम सॉरी, आई मस्ट गो। नो नो ना, चलिए आइए। ये क्या, आप जा रहे हैं? नहीं, वो दिल्ली चेयरमैन है। नहीं, मगर प्रोग्राम शुरू होने तक तो। नो 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 मैडम, आई मस्ट गो, आई एम सॉरी। अच्छा, नमस्ते नमस्ते। क्या करें, पंडित राम शास्त्री तो आए नहीं। क्या? मिस्टर मूर्ति इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अरे लेकिन वो ट्रेन में थे ही नहीं, तो मैं क्या करूं? अच्छा, तो ऐसा करते, फोन करके पता कर लेते। अब क्या फायदा, इट्स टू लेट, यू सी पब्लिक आर वेटिंग। सिंगर आ गए क्या? आ रहे हैं वो, ही इज ऑन द वे, एनी मोमेंट ही इज एक्सपेक्टेड, यू नो। वी मस्ट डू समथिंग मिस्टर बगले, बट व्हाट टू डू, व्हाट टू डू मिस्टर गडकरी, यू सी। सोचो, कुछ सोचो ना। दिमाग तो काम नहीं करता, क्या करें। वो कृष्णा, कृष्णा मेहता, क्लासिकल सिंगर। अरे हाँ, तुमने मुझे बताया था। वो यही कहीं घूम रहा था, यू सी। उसी का प्रोग्राम करते। बट इज ही गुड? क्या गुड और बैड मिस्टर मूर्ति, एट दिस मोमेंट यू सी। मिस्टर गडकरी, मैंने और आपने सुना था ना उसका वो क्लासिकल, क्या कहते हैं, कलावती। अरे बाबा, वो तो सेमी क्लासिकल गाता है। क्या फर्क पड़ता है, क्लासिकल म्यूजिक क्या है, सेमी क्लासिकल म्यूजिक क्या है? Who knows? Keep it. Keep it ना? तुम्हें ढूंढो उसे, कहाँ है वो? Keep it. वो यही कहीं था पंडाल के अंदर। वो रहे, लेकिन वे आ रहे हैं ना। मिस्टर मेहता, गडकरी, रिमेम्बर। हेलो, सुनिए, आप परफॉर्मेंस देंगे अभी? आज? अभी इसी वक्त, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, एनीथिंग, नो? सर, आप कभी भी कहिए सर। अभी कह रहा हूँ ना, लेकिन लेकिन मुझे 5 मिनट दे दीजिए भाई, ताकि मैं मेरे कपड़े बदल कर आऊँ, वो जरी वाला कुर्ता वगैरह। बिल्कुल समय नहीं है इसी, आपके लिए ये बिल्कुल अच्छा है, लुकिंग नाइस ना। अच्छा, आप चलिए प्लीज। तो फिर चलिए, आइए। राधिका, ये मिस्टर कृष्ण मेहता। हेलो भाइयों और बहनों, ये अभी अभी चीफ गेस्ट साहब गए और थोड़ी देर हो गई प्रोग्राम में, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। एक्चुअली पंडित राम शास्त्री जो इस देश के महान गायक हैं, संगीत रत्न हैं, उन्होंने हमारे यहाँ आना स्वीकार करके हमें बहुत प्रोत्साहित किया है, हमारी अंबिका संगीत सभा को बहुत ऊंचा स्थान दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि संगीत अकादमी के अर्जेंट मीटिंग की वजह से वो आज यहाँ नहीं आ सके। उनकी ये अनुपस्थिति हमारे लिए देन बनकर आई है। आज हमारे बीच संगीत रत्न उपस्थित हैं, जो रोज हमारे साथ उठते हैं, बैठते हैं, श्री कृष्ण मेहता। श्री कृष्ण मेहता जी, आप ऊपर आएं
और अपनी पहली परफॉर्मेंस से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करें। श्री कृष्ण में अरे सुनो, इसे तो मैंने कई टाइम पोस्ट ऑफिस में देखा है, ये गाता भी है। पता नहीं, परसों तो मुझे बनिए की दुकान पर भी मिला था। हाँ? नमस्ते देवियों और सज्जनों, मैं इस संगीत सभा में आपके सामने राग पूर्वा कल्याण और राग यमन कल्याण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसको कोई आसान सा राग गाना चाहिए मिस्टर बगले। गाना तो शुरू करें, लेट्स सी। यह मूल अंतर को आपके सामने रखना बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए राग यमन कल्याण के सुर। गॉड, इन्होंने तो थ्योरी शुरू कर दी। व्हाट वी कैन डू, नी रे गा मा धा नी धा। ये तो भूल गया। नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ, नी रे गा मा धा नी सा, नी रे गा मा धा नी सा, सा नी धा पा मगर रे सा, सानी धपा मगर, मेरे गामा धनी सा, सानी धपा मगर ऐसा, ये सुर आएंगे। और राग पूर्वा कल्याण में सानी धपा म, हाँ सानी धपा मगर ऐसा, लेकिन इसमें तीव्र मध्यम और कोमल रिखव होने के कारण इसे राग पूर्वा कल्याण कहेंगे। जब देखिए पता नहीं ये अच्छा गाएंगे कि नहीं। गाने तो